नमस्कार भारत। आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक पे है कि बहुत सारे लोगों ने लिखा कि मैम, मैं बहुत सारे टूल टेक्निक यूज़ करता हूँ या यूज़ करती हूँ, पर मेरे मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है, क्योंकि अभी आपने जो भी किया अपनी डिज़ायर को या विश को पाने के लिए या इच्छा को पूरा करने के लिए, उसको टूल टेक्निक मानकर किया। जब तक आपने टूल टेक्निक किसी चीज़ को माना, तब तक आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ पर ये है कि अरे, मुझे इसको चाहने के लिए ये टूल अपनाना पड़ेगा, ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी। जबकि आप विश्वास मानिए कि जब आप कोई चाहत रखते हो, वो एफर्टलेसली होती है। उसको करने के लिए हमको कुछ चीज़ें जो करनी हैं, तो उसको आप अपनी लाइफ स्टाइल मानो। आप उसको ये मत मानिए कि ये करने के लिए मुझे ये वाला टूल लगाना पड़ेगा, ये टेक्निक करनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है इस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में उस फीलिंग में नहीं है कि वो चीज़ है। आप सोच रहे हो अरे, ये टेक्निक करनी पड़ रही है। ऐसे मानिए कि आप पूजा करने जाते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं कि नहीं, भगवान जी को फूल चढ़ाते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या सोचते हैं कि अरे ये क्यों करना, नहीं करते ना, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया है आपके लिए। आप नहाने जाते हैं, बाल्टी में पानी भरा, उसके बाद मग्घे से पानी अपने ऊपर डाला, तो क्या आप इसको मानते हैं कि ये क्यों करना पड़ा। खाना बनाने जाते हैं, तो क्या आप किचन में गैस जलाते हैं, रोटी बनानी है, आटा मारना हुआ, रोटी बनाई और सेका, क्या आप इसमें क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों करना पड़ा, अरे ये करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट क्यों नहीं पक जाती रोटी। यस, इसी तरीके से होती हैं टूल्स टेक्निक। जिस दिन आप उसको लाइफ स्टाइल मानने लगोगे, चाहे कोई भी टूल टेक्निक है, आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रीडिंग राइटिंग टू कप मेथड है, या आपकी ग्रेटिट्यूड जो करना है, या और भी चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटर टेक्निक है, ये सब चीज़ों को जिस दिन आप लाइफ स्टाइल मानना शुरू कर दोगे कि अरे ये तो इसका एक प्रोसेस है, ये एक लाइफ स्टाइल है, तो उस दिन आपके जीवन में सारी चीज़ें होने लगेंगी। बस आपको उसको फील करते हुए करना है, उसको ये नहीं सोचना है कि हाँ ये मुझे इसको करना पड़ेगा, इसको करने के लिए इसको करना पड़ेगा। और तो जब आप अपने डिज़ायर या मैनिफेस्टेशन के लिए इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल मान लेते हो, लिखने को अपनी लाइफ स्टाइल मान लेते हैं, ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ स्टाइल मान लेते हैं, और क्या है, वाटर टेक्निक को अपनी लाइफ स्टाइल मान लेते हैं, जब हम सब चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल मान लेते हैं कि हमको अपनी कोई इच्छा है उसको पूरी करना है, कोई भी इच्छाएँ हैं जो भी हो सकती हैं, तो हमको उनको पूरी करने के लिए तरीका है, ये तरीका हमको अपनाना है, बस इतना ही सिंपल है। आप अपने उस टूल टेक्निक वाले क्वेश्चन से दिमाग हटा करके सिर्फ ये कहिए कि इसको पूरा करने के लिए ये चीज़ें होती हैं, इनको बहुत सामान्य चीज़ मान के और इसको करना शुरू करो, देखो रिजल्ट आता है कि नहीं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं। और विश्वास, विश्वास से ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं। जिस दिन विश्वास को बनाए रखें आप 100%, वेट करना है कर लीजिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही हैं, या थोड़ी हुई अब दूसरी में लग रहा है कि हो ही नहीं रहा, तो दिमाग तो है हो नहीं रहा है इस बात पे, क्योंकि इंटरनल टॉक चल रही है हो नहीं रहा, तो फिर वो नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचो कि मैं उस यूनिवर्स का बच्चा हूँ, उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे देगा ही देगा, मैं उसके लिए वेट करने को भी तैयार हूँ। बस आप अपने फीलिंग में रहो, इमोशन अपने वही रखो कि आपकी वो चीज़ें हो चुकी हैं, और उसके लिए जो जो करना है वो करते रहिए, देखो आपके रिजल्ट सारे आपके हाथ में होंगे। तो और हाँ, अभी आपने जिस तरीके से अपना प्यार दिया वीडियोस में, वो उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार भारत।